उस मौजूद है जो मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है। इस टाइम वो सोया हुआ था तो हम यहाँ पे गुजर रहे थे, तो उस बंदे ने जब हमारी आवाज़ सुनी, हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे, स्टोरी कर रहे थे, ठीक है, तो वो बंदा मियाँ साहब का नाम सुन के वो कहता है जी मेरे कानों पे आवाज़ पड़ी, मियाँ साहब का नाम आया है। तो मैं जनाब जो है ना मियाँ साहब की आवाज़ सुनकर यहाँ बाहर निकला हूँ, तो आएँ जनाब हम आपसे उसकी मुलाकात करवाते हैं और वो अपनी ज़बानी सुनाता है कि पीटीआई की हुकूमत ठीक थी या नून लीग की ठीक थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप पीटीआई या नून लीग? नून लीग। नून लीग क्या खूबी है मसलन के, क्या यार नून लीग तो अब आई उन्होंने इतनी महंगाई कर दी। कहाँ भाई, जो छोड़ के गए हैं उन्होंने उसके साथ गुजारा करना है, जो जब उसको लूट के लुटा के ले गए हैं, जब जो कुछ है उसी के साथ गुजारा करेंगे, वो अब चलाएंगे अपने आप को, कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने पास से, कुछ दुनियादारी से, कुछ लोगों से, फिर आस्ते आस्ते चलेंगे। अब उनको भी टाइम देना थोड़ा सा, जब आप टाइम मांगते थे वो टाइम करते 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 कहाँ ले गए हैं। तो आज इन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की हैं, कल भी इन्होंने ढोल ढमक्का किया है पीटीआई वालों ने, वो कह रहे हैं कि जी हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भैया इंशाल्लाह ताला होंगे, इंशाल्लाह होंगे, वो इंशाल्लाह सीट उनकी। क्यों, कितना आपको वो है, क्या प्रूफ है आपके पास, कितना क्या प्यार करते हैं आप उनसे? नहीं नहीं नहीं, एक चीज़ हम देखते आ रहे हैं छोटे होते हुए, वे कारोबारी लोग हैं, उन्होंने कारोबार करके बनाया हुआ है। ये जो भूखे नंगे एक टिकट वगैरह खेलते वगैरह उठे हुए हैं, इनको क्या बताओ गवर्नमेंट क्या चीज़ है, इसे पता था गवर्नमेंट किसे कहते हैं, कहाँ क्या करना कहाँ क्या नहीं करना। बस जिन्होंने हाथ दिए हैं उनके हाथों पे चल पड़ा ये। पर वो तो ये कह रहा है जी मुझे 22 साल हो गए, मैं 22 साल से मसलन के जो है ना सियासत कर रहा हूँ, 22 साल हो गए मैं जदोजहद कर रहा हूँ। 22 साल इमरान खान कहता है क्रिकेट कौन खेल रहा था, दुगला डुप्लीकेट था, डुप्लीकेट थे, एक और इमरान खान था, वो उधर भी था क्रिकेट खेलने के लिए, भी इधर वो गवर्नमेंट भी इधर वो हुकूमत भी कर रहा है। वो नहीं वो फिर वो सीट पे क्या कौन बैठा हुआ था, वो तो कहता है जी मैं 22 साल से सियासत कर रहा था, ठीक है, तो इसने तो ये 4 साल मुल्क का सत्यानाश कर दिया, आगे लोगों को बच्चों को सड़कों पे बिठा दी है, जुलूस निकाल निकाल के मार्केटें बंद करवा दी, कारोबार बंद करवा दिए हैं, जो फारिग थे बेचारे वो और फारिग हो गए, जिन्होंने कामों पे जाना था वो भी नहीं काम पे जा सके, जो जाते थे बेचारे वो भी फारिग हो गए बैठ के, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या करना है। जी बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया ताबेदार। नाज़रीन हमारे दोस्त जो है ना शेर के लिए नवाज शरीफ जिंदाबाद, शुबाज शरीफ जिंदाबाद, अहमदा शुबाज जिंदाबाद, शेर 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 एक बार फिर शेर शेर शेर। जी तो नाज़रीन हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आजकल ये जो पीटीआई वालों ने ढोल ढमका बजाना शुरू किया हुआ है कि हमजा शहबाज जो है ना वो वज़ीर आला नहीं रहे, और इनके इनसे पूछते हैं कि ये इनके बारे में क्या कहेंगे कि वाकई हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे या पीटीआई वाले वैसे ही जो है ना ढोल ढमका बजा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं जी, ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये जो है ना पीटीआई वाले कह रहे हैं जी हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहा, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये अदालत का फैसला है, पहले भी अदालत ने इसको किया, अब भी अदालत ने किया, ये ढोल ढमका खार निकाल रहे हैं। अच्छा। और ये जो पीटीआई वाले हैं ये ऐसे निगल्ले लोग हैं कि दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये जो है ना हुकूमत जैसे ही आई इतनी महंगाई क्यों हो गई है इसमें, मतलब कि वो खान साहब तो कह रहा है कि जी अब मैंने हुकूमत छोड़ दी है, अब पीटीआई वाली की हुकूमत है ही नहीं है, नून लीग की हुकूमत है, तो इतनी महंगाई फिर मतलब कि क्यों हुई हुई है? महंगाई ये मुआहदे कर गया है, हमारा बेड़ा गर्क करके चला गया, नाम दूसरों पर लगा रहे हैं, महंगाई उसी की वजह से हो रही है। और ये जो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इलेक्शन से पहले जब ये वज़ीर आज़म नहीं बना था कहता था 50 रुपये लीटर पेट्रोल बिल जला दो ज़्यादा आ रहे, इसकी गवर्नमेंट ने वही पेट्रोल हमें 160 रुपये में दिया, ये क्या कर रहे हैं? रल मिल के इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और कुछ नहीं किया, ये यहूदियों का एजेंट है इमरान खान, और ये हमारा खाना ख़राब करने आया था करके चला गया, अब बातें बना रहे। अच्छा तो लोग पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब छुप के बैठा हुआ है इंग्लैंड में, लंदन में मियाँ साहब छुप के बैठे हुए हैं, ठीक है, आप इसके बारे में? बिजनेसमैन लोग हैं, उनका कारोबार उधर भी है इधर भी है, वो जिधर मर्जी रह सकते हैं,
इनकी करप्शन थी ये साबित नहीं कर सके 3.5 साल में क्या किया है, बस शोर मचाया चोर चोर। जनाब हमारे ये अंकल कह रहे हैं कि इमरान खान जब आया था इक्तदार में आया था उस टाइम तो उनका और माहौल था, और असल में जो है ना इमरान खान साहब का चेहरा और है, वो यहूदी एजेंट है, वो यहूदियों के साथ मिला हुआ है, उसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। नाज़रीन हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि नून लीग की हुकूमत ठीक है या PTI की हुकूमत ठीक थी, क्योंकि आजकल जो है ना PTI वालों ने बहुत ज़्यादा ढोल ढमका बजाना शुरू किया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं रहे, इनके बारे में जो है ना मियाँ साहब के बारे में, ये हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, इनसे हम आपकी बात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब आपका नाम? सोनू भट्ट। अच्छा सोनू भट्ट साहब, आजकल जो है ना बहुत गर्म माहौल बना हुआ है सियासत में, आजकल PTI वाले ये कह रहे हैं कि हमज़ा शहबाज शरीफ जो है ना वो वज़ीर आला नहीं रहा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे बताएँ जी। बोस रहने ना रहने से ये बात नहीं होती कि नहीं रहा, गल हैगी कि लोया मनिया जाता नवाज शरीफ होने वाला, तो अगले 10 साल भी आ जाएंगे 20 साल हुकूमत उन्हों की रहनी, तो हड़कत आ गई सब उन्होंने पिछे लवा लेना, कंटेनर से चढ़ गए उधर चढ़ गए, फजूल दुनिया तंग घर लोगों अपनी वेल नहीं, वह बुढ़िया वेल वास्ते निकल जाते ने जी, जलसा हो रहा इमरान खान का, गल हैगी बुढ़िया ये वो फला इज्जत हड़ाप ओदी हड़ाप ते अपनी नहीं है घर ते सारा कुछ है, लेकिन बगैरतियां कर यार बस मैं कहना चाहना वा कि तू पढ़िया लिखे इंसान है कि टल जा अजे भी टल जा कि तू गलत छेड़ने इन्हों नवाज शरीफ होना तो टल जा रहना इन्ना नहीं है, तो अगले साल भी जिनी जिंदगी है ना इमरान खान की इन्ना नहीं रहना। मैं शेर बोलांगा कि गड़बड़ ना पड़े हम भी डबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नत तूफान ना करेंगे, जो मर्जी आइयो वो शेर शेर है, शेर शेर है। जी मियाँ साहब के लिए कोई पैगाम, मियाँ साहब के लिए कोई नारा? साहब बस मियाँ साहब के तो नारे वजते ही रहने सारी जिंदगी, ते मियाँ साहब होने भी शहजादे लोग ने, ते अल्लाह हैर करे उन्हां दी जिंदगी दी हैर करे, शेर शेर। जी शुक्रिया जी, मेहरबानी।